हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस हस्ती फोटोग्राफी। और बहुत दिनों के बाद मैं एक फ़ोटोशॉप का ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ट्यूटोरियल कुछ इस तरीके से है कि कई बार हम बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स या पोर्ट्रेट्स या लैंडस्केप क्लिक करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें हम ब्लैक एंड वाइट चीज़ों में कन्वर्ट करें या ब्लैक एंड वाइट टोन में कन्वर्ट करें, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ जाती हैं कि किस तरीके से हम करें कि उनका जो कलर्स की इंटेंसिटी है वो प्रॉपर तरीके से बनी रहे और हमारी इमेज भी ब्लैक एंड वाइट हो जाए। तो यहाँ पर कुछ इमेजेस के साथ मैं आप एडिट करूँगा और आपको दिखाऊँगा किस तरीके से उस पर वर्क करते हैं। तो जैसा कि आप इस वक्त फोटोशॉप की विंडो पर इमेजेस देख रहे होंगे, तीन इमेजेस मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हैं जो कि pixels.com से डाउनलोडेड हैं। तो सबसे पहली इमेज पर मैं आता हूँ, लेकिन बहुत लोगों का जो तरीका है करने का वो तरीका मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा और वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंगल क्लिक के द्वारा आप वो इफेक्ट पा सकते हैं विदाउट एनी कलर फ्रिंजिंग एंड डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर आपके जो एडजस्टमेंट बार है और वहाँ पर ऑलरेडी एक ब्लैक एंड वाइट का टूल दिया होता है। चलिए हम इसे क्लिक करते हैं, देखते हैं। तो जैसे हम ब्लैक एंड वाइट का टूल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वेरियस ऑफ कलर्स दिख जाते हैं, जैसे रेड्स, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू एंड मैजेंटा। अब क्या है, इनकी स्केलिंग आपको खुद करनी पड़ेगी जैसा कि आपको चाहिए। कई बार जब होता है, जब आप स्केलिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं स्केलिंग करूँ या येलो टोन बढ़ाऊँ, तो इफ़ेक्ट कुछ अजीब अजीब से आने स्टार्ट हो जाते हैं और इनका प्रॉपरली इनको मैनेज करना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कई बार कलर्स आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, या कहीं पर बहुत ज़्यादा डार्क हो जा रहा है, कहीं पर लाइट एंड बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। इसलिए एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर इसे हम बहुत सरल तरीके से करना चाहें तो मैं एक ऑप्शन आपके लिए लेकर के आया हूँ, बहुत ही ईजियर है। तो पहले सबसे पहले हम इस लेयर को डिलीट करेंगे यहाँ से, जो हमने ब्लैक एंड वाइट की लगाई हुई थी। हमें ब्लैक एंड वाइट इमेज कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट बार को क्लिक करना है। यहाँ पर हम ग्रेडियंट मैप चूज़ करेंगे, ना कि ग्रेडियंट या सॉलिड कलर एडजस्टमेंट भी नहीं। तो हम ग्रेडियंट मैप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें चूज़ करना होगा जो ग्रेडियंट मैप आपके पास डिफ़ॉल्ट जो आपके फ़ोटोशॉप में है, वहाँ पर हम ब्लैक एंड वाइट वाला जो ऑप्शन है इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, इमेज देखेंगे, डायरेक्टली आपकी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। अब अगर इसे मैं यहाँ से बंद कर दूँ और आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाऊँ, तो देखेंगे कि ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का लेवल सेम है जैसा कि कलर इमेज के अंदर था। अभी भी अगर आप देखें तो सेम इंटेंसिटी या सेम एक्सपोजर बना हुआ है जो कि पहले था। अब यहाँ पर आपको दिक्कत नज़र आ सकती है, कुछ बहुत स्लाइट सा प्रॉब्लम आपको नज़र आ सकता है ब्राइटनेस और शैडोज़ में, या कह सकते हैं हाइलाइट्स एंड शैडोज़ में। इनको हम किस तरीके से रिकवर करेंगे, तो पहले आपने पॉइंट देखा कि हम किस तरीके से इमेज को ब्लैक एंड वाइट करेंगे और दूसरा किस तरीके से उसकी हम हाइलाइट्स एंड शैडोज़ को रिकवर करेंगे। तो चलते हैं हाइलाइट्स और शैडोज़ की तरफ। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर ऑप्शन आपका जो ब्लैक एंड वाइट का दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे जो आपका ग्रेडियंट का बार है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर से वही ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखें तो एक स्मूथनेस का एक ऑप्शन दिया है जो कि 100% अभी शो कर रहा है। तो हमें करना क्या है, इस 100% बार को ऑल द वे ले जाकर हमें सिर्फ ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो करने पर क्या होगा, मैं बंद करता हूँ इसे और ओके कर दिया है। अब अगर देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर में डिफरेंस ब्राइटनेस, शैडोज एंड हाइलाइट्स में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। जैसी इमेज आपकी कलर में लग रही थी, सेम की सेम इमेज आपको ब्लैक एंड वाइट में नज़र आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा कि इस इमेज के साथ मैंने किया है, मैं दूसरी इमेज पर भी वही काम करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखें एक डार्क पोर्ट्रेट है जहाँ पर आपको शेडोज और हाइलाइट्स के जो डिफरेंसेज हैं वो प्रॉपरली नज़र आएंगे। तो इस इमेज के साथ काम करते हैं और सिंपली हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट बार में आना है, ग्रेडियंट मैप पे जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट एंड इसकी एपेसिटी। अभी अगर आप देख रहे होंगे तो देखेंगे अभी हम मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, सिर्फ प्रीसेट्स को अप्लाई किया है ग्रेडियंट के। तो ब्लैक एंड वाइट अभी आपके सामने है, लेकिन यहाँ पर स्मूथनेस जो है 100%। अब यहाँ पर बार को हम स्लाइटली चेंज करके देखें क्या इम्पैक्ट आता है। तो देखिए, मैंने इसे अगर ज़ीरो किया है तो हाइलाइट्स और शेडोज़ प्रॉपर तरीके से निकल के आ रही हैं जो कि आपको कलर इमेज में नज़र आ रही थी। अगर इसे हम 100% रखते हैं तो क्या होगा, डार्क पार्ट जो है, यहाँ पर अगर नीचे बार देखें इसका, तो जो डार्क वाला पार्ट है वो और डार्कर हो जाता है और लाइट वाला पार्ट और लाइटर हो जाता है। जब हम इसे 0% कर देते हैं तो इमेज वैसी होती है जैसी आपकी कलर में थी, मीन्स कि जो
डिफरेंस जो डिफरेंट आपको कलर में ब्लैक एंड वाइट में मींस लाइट एंड शेडोज़ में नज़र आए थे उन चीज़ों को वो सही कर देता है या ज़ीरो पे ले आता है जैसा कि कलर पे था। ये आपका एक और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो बिफ़ोर एंड आफ्टर अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ इमेज आपकी ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हुई। चलिए थर्ड इमेज की तरफ बढ़ते हैं और आपको एक एग्ज़ाम्पल और देते हैं। यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छा एक शेडोज़ एंड हाइलाइट्स का एक बहुत सब अमेजिंग सी इमेज है जिस पर हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्लिक करते हैं ग्रेडियंट मैप पर और दोबारा से जाते हैं हम ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट पे और इसके बाद क्लिक कर देते हैं हिट ओके। और यहाँ से हमें क्या करना है, इसे स्मूथनेस इसकी हमें ज़ीरो कर देनी है। तो अभी अगर आप देखें तो लाइट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया है ना कि शेडोज़ पे आया है और प्रॉपरली तरीके से इमेज आपकी ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर जैसे सबसे अच्छी इमेज इस वक्त जो एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखी जाए तो मुझे ये लग रही है। आई होप जो सिचुएशंस मैंने आपके सामने क्रिएट करी और ब्लैक एंड वाइट का एक एग्ज़ाम्पल दिया किस तरीके से इमेजेस को आप ब्लैक एंड वाइट टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये एक नॉर्मल सा टेक्निक्स है। लेकिन क्या होता है जब आप फोटोशॉप में जूझते हैं थोड़ा सा अपनी तरफ से क्रिएटिविटी या खोदते हैं उसको, तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं कितना बेहतरीन से हम चीज़ों को कितना आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार देख रहे हैं तब तो ज़रूर करना है आपको, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना है जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं बहुत जल्द बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के साथ दोबारा आपके सामने आऊँगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप मेरी रेगुलर बेसिस की अपडेट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।